तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज हम माइनक्राफ्ट पोजाओ लॉन्चर के अंदर खेल रहे हैं जावा एडिशन। तो मैं चेक करने वाला हूँ कि टीएनटी ड्यूपर हम बना सकते हैं या फिर रेल ड्यूपर बना सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें बनता है तो काफ़ी मज़ा आता है कि वो जावा एडिशन में ही बनता है और हम पोजाओ लॉन्चर के अंदर जावा एडिशन ही खेल रहे, तो शायद बनना तो चाहिए। तो चलिए ट्राई करने वाले यही। मैंने सारा सामान तो ले लिया, आज हम दोनों ड्यूपर बनाने वाले, टीएनटी ड्यूपर भी बनाएंगे और उसके बाद है ना हम रेल ड्यूपर भी बनाएंगे। और आप लोग भी सीख सकते हो, देख सकते हो कि मैं कैसे बनाने वाला हूँ। अगर आपको पता नहीं हो तो आप कर सकते हो। अगर आप पोजाओ लॉन्चर खेलते हो तो काम आएगा। पॉकेट एडिशन में तो ये वर्क नहीं करता, ना ही बेडरॉक में, लेकिन मैं अभी जावा खेल रहा हूँ पोजाओ लॉन्चर के थ्रू, तो बहुत ही ईजिली बन जाएगा। और मैं फटाफट से यहाँ पे अपना थर्ड पर्सन चेंज करता हूँ, तो यहाँ से काफ़ी ईजी तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ना मुझे जो जो सामान चाहिए मैं लेके रखा हूँ, तो मुझे ना पहले हाइट पर जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तभी कुछ होगा। तो मैं ना यहाँ पर ये लगाता हूँ, थोड़े थोड़े हाइट पर चलता हूँ, तो है ना ज़्यादा हाइट पर नहीं, बस 10-15 ब्लॉक ऊपर चला जाऊंगा, बहुत है। तो आई गेस इतना काफ़ी ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे ना सबसे पहले 3 स्लाइम ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से ना 1 स्लाइम ब्लॉक और दूसरा स्लाइम ब्लॉक मेरा है ना यहाँ पे आएगा और तीसरा इसके ऊपर आएगा। उसके बाद है ना मुझे यहाँ पर फेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक फेंस मेरे को यहाँ पर आएगा और एक TNT में, ओके यार मैंने गलती से इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पर ना मेरे को लगाना है और एक TNT मेरा आएगा यहाँ पर। और इसके बाद है ना मेरे को एक कॉलर फैंक भी चाहिए, तो उसको मैं आगे लगाता हूँ। उसके बाद शायद से ना मुझे एक यहाँ पे लगाना था, तो मैं देख लेता हूँ क्योंकि फ़िलहाल मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद ही आइडिया नहीं है। तो मैं ना एक यहाँ पे लगा, ओके ये क्या कर रहा हूँ यार, मैं तोड़ ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है मेरे को, बट कोई बड़ी बात नहीं। फिर यहाँ पर ये लगाना है, उसके बाद है ना यहाँ पर ये लगाना है, और उसके बाद है ना मुझे यहाँ पर 2 ब्लॉक आगे एक्सपेंड करना है। और ओके फिर से मैंने तोड़ दिया, तो मुझे ना यहाँ पर ना ये वाला कोई भी रैंडम ब्लॉक लगा देना इस तरीके से। तो यहाँ पर ना 2 लगाने मेरे को टोटल, तो एक मिनट मैं इसको लगाता हूँ। तो मुझे ना, तो ये मैं गलत क्यों लगा रहा हूँ यार, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, मैंने इसको इतना खेला नहीं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अभी दूसरा ही देना है, इसलिए कुछ थोड़े बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पे ये लगाना है और इन्वेंट्री का खोल रहा हूँ, मुझे ना ये चाहिए हो गए, तो ये मुझे यहाँ पर लगाना है। उसके बाद है ना मुझे इन्वेंट्री खोलना है और मेरा माउस किधर है, तो सबसे पहले ना मुझे इसमें जाना है, उसके बाद मुझे ना कीबोर्ड को अपना एक्टिवेट करना है और मुझे इसके अंदर लिखना है कोरल, तो COR, तो डेड कोरल का पता नहीं कुछ चाहिए होता है CO, एक मिनट मेरे को ये करने दो वापस से। तो मेरे को है ना इसको एक्टिवेट करना है सबसे पहले, और उसके बाद मुझे इसके अंदर लिखना है COR कोरल, और देखते हैं कि कहाँ पे है मेरा, तो कौन सा था, शायद से ये वाला चाहिए डेड ब्रेन कोरल, तो इसको मैं ले लेता और किसको बेड को हटा देते फ़िलहाल में, तो बेड को इसको फेंक देते। तो इस तरीके से ना मैं कंट्रोल करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अपने है ना इन्वेंट्री को बंद करते, उससे पहले ना मुझे इसको चेंज करना है, इन्वेंट्री बंद करना है, और जो कोरल का मेरा ये डेड जो भी नाम है यार इसका, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मुझे ना अभी इसको है ना चेंज करना है। तो मुझे एक यहाँ पे लगाना है, तो इसको मैं फटाफट लगाता हूँ। तो गाइस मैंने एक गलती कर दिया था, मैंने है ना ये ले लिया था, मतलब डेड हॉर्न कोरल फैंग चाहिए, मैंने सिर्फ डेड ब्रेन कोरल लिया था। तो चलो अब इसको फिलहाल यहाँ पे लगाते हैं, और लगाने के बाद है ना मेरे को ये नीचे के ब्लॉक्स को तोड़ देना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो फाइनली हमारा TNT ड्यूपर तो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसको चालू करके देख, ओके यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे मैं क्यों तोड़ फोड़ कर रहा हूँ, मुझे ना थोड़ा कंट्रोल करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैंने ना इसको ज़्यादा खेला नहीं, दूसरा ही दिन है ना इसीलिए। तो ओके यार फिर से ऐसा हो रहा है, तो मुझे ना इसको है ना इस तरीके से लगाना है। चलो फाइनली लग चुका है, अब है ना मैं इन्वेंट्री क्यों खोल रहा हूँ, अब मुझे इसको चालू करना है सिंपली। तो है ना मुझे इसको एक बार चालू करके देखते हैं, और ये डुप्लीकेट होता है यानी चेक करते हैं। अभी फिलहाल मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होगा यानी, तो मैं इसको चालू करता हूँ और ये नहीं हो रहा है, एक मिनट मैं इसको ओके हो रहा है एक्चुअली, इसको है ना मुझे फटाफट क्लिक करके रखना पड़ेगा। और देख सकते हो ये डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब काफ़ी सही है, TNT डुपर हमने फाइनली बना दिया। तो मैं इसको फास्ट फास्ट करके देखता हूँ, तो यहाँ से मुझे ना सिर्फ लीवर को चालू बंद करना है, मैं यहाँ पे क्लॉक बना दूंगा तो एकदम अच्छे से होगा, देख सकते हो मैं इसको चालू बंद करता हूँ और यहाँ पे ना नीचे गिर रहा है और यहाँ पे फटाफट फट रहा है और लावा लावा हो गया पूरी जगह पे, और वहाँ पे भी चले गए एक दो, मतलब चलो TNT ड्यूपर वर्क करता है, इसका मतलब जावा के सारे फार्म इसमें वर्क करेंगे। अभी मुझे ना एक और चीज़ बनाना है, तो मुझे है ना वो भी बनाना है, रेल ड्यूपर भी बनाना है। तो उसको ना बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए मेरे को है ना उसको पहले लेना पड़ेगा, एक मिनट मेरा सारा सामान तो लेके रखा है, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, तो इधर चेक करते हो तो सारा का सारा सामान मैं लेके रखा है। तो इसको है ना मैं अब आगे ले लेता हूँ, तो इसको हटाते हैं, इसको भी ले लेते हैं, TNT की ज़रूरत नहीं है, TNT को हटाते हैं। तो उसको बनाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैंने सब सामान करके रखा हूँ। नाइट हो रही है क्या, चेक करते सूरज किधर हो, नाइट भी हो रहा है, तो मैं सबसे पहले सो लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बेड इसलिए रखा क्योंकि नाइट होगा ना, तो मैं नाइट को स्किप कर दूंगा। तो पहले है ना मैं नाइट को स्किप करता हूँ, उसके बाद अपना दूसरा फार्म भी बनाता, ये वर्क कर गया ना इसका मतलब दूसरा वाला भी वर्क करेगा, तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं पहले चेक कर लेता हूँ, ये सीरीज़ में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो मैं, और हाँ बहुत लोग मेरे से कह रहे थे कि मैं ना पॉकेट एडिशन की सीरीज़ बंद कर रहा हूँ क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी भी सीरीज़ आएगी और उसकी भी आएगी। तो सबसे पहले मैं सो लेता हूँ, नाइट हो रहा है क्या, ओके नाइट अभी नहीं हुआ तो थोड़ा वेट कर लेते हैं।
तो अभी है ना रेयर ड्यूपल बनाना है, तो रेयर ड्यूपल है ना मैं यहाँ पे बना दूंगा। तो यहाँ पे है ना सबसे पहले मुझे ये ब्लॉक चाहिए होगे, दो ब्लॉक मुझे इस तरीके से रखना है, फिर इसके ऊपर है ना मुझे डिस्पेंसर रखना है कुछ, सॉरी ऑब्जर्वर रखना है इस तरीके से। उसके बाद मुझे स्लाइम ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे कारपेट ड्यूपर भी बना के चेक करता हूँ, आ जाए ना सारे ड्यूपर बना के चेक ही कर लेता। उसके बाद है ना मुझे इसको कुछ इस तरीके से रखना है और एक आगे के साइड यहाँ पे करना है। उसके बाद है ना मुझे इसके ऊपर इस तरीके से ये ऑब्जर्वर रखना है, और ऑब्जर्वर रखने के बाद है ना मुझे और यहाँ पे दो ब्लॉक रखना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मुझे इसको तोड़ देना है, और इसको तोड़ने के बाद है ना मुझे यहाँ पे और ये स्टिकी पिस्टन लगाना है, और फाइनली अपना काम हो चुका है। अब है ना मुझे इसके ऊपर डुपर और है ना ये नीचे के ब्लॉक को तोड़ देना है। एक्चुअली इतना होने के बाद है ना मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक रखना है ऊपर चढ़ने के लिए, तो इसके ऊपर मैं चढ़ता हूँ और यहाँ पे मुझे रेल लगा देना है इस तरीके से, और फाइनली मेरा ये काम हो चुका है। अभी है ना मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के लिए ना मुझे सबसे एक मिनट, इसके ऊपर मुझे एक ब्लॉक भी रखना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले चलता हूँ और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखता हूँ। उसके बाद एक लीवर की जरूरत पड़ेगी, लीवर को मेरे को यहाँ पे लगाना है और ये पीछे वाले ब्लॉक को तोड़ सकता हूँ। तो आई गेस मेरा काम हो चुका। मैं है ना यहाँ पे एक वॉल भी बनाना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा दूर ना फेंके, और यहाँ पे मैं हॉपर वॉपर भी लगा सकता हूँ, तो वो तो मैं नहीं लगाने वाला, वो ये सिर्फ मैं सिर्फ चेक ही करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये ब्लॉक लगा देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने है ना यहाँ पे एक बड़ा सा दीवार बना दिया, अब मुझे है ना इसको चालू करके देखना है। तो चलिए भाई इसको चालू कर दे फटाफट, और एक मिनट इसको थोड़ा पास में जाके चालू करना पड़ेगा। तो अब है ना मैं इसको चालू करता हूँ, इसको मैंने चालू कर दिया, और ओके एक मिनट मेरे को इसको चालू करना है। ओके देख सकते हो डुप्लीकेट हो रहा है काफ़ी सही है, मतलब ये फार्म भी वर्क कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा स्पीड में डुप्लीकेट हो रहा है। मतलब एक तो चीज़ सही है कि हमारा रेल ड्यूपर इसमें वर्क कर रहा है, और ऊपर से टीएनटी ड्यूपर कर रहा है। अभी है ना कारपेट ड्यूपर भी मुझे बना के चेक कर लेना चाहिए, और आपको है ना तीनों के तीनों ड्यूपर एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप बनाते हो तो आप अच्छे से देख सकते हो, एक ट्यूटोरियल वीडियो समझ सकते हो आप इसके लिए। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर दूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी ना कारपेट ड्यूपर बनाना है, कारपेट ड्यूपर बनाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसके लिए भी स्लाइम लाइम चाहिए होता है। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर एक छोटा सा बना के चेक करता हूँ। तो गाइस अभी मुझे याद आया ये इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ना एक छोटा सा ही बना के चेक कर लेता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाला बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना मुझे दो ब्लॉक ज़मीन में डिग करने, और मुझे ना यहाँ पे ना एक मिनट क्राउच कहाँ हो गया, तो यहाँ पे ना मुझे एक ऑब्जर्व ये क्या नाम है फर्नेस रखना है दो इस तरीके से, और उसके बाद ना मुझे यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे ना मुझे स्टिकी पिस्टन रखना है, और यहाँ पे ना दो ओके यार मुझे क्राउच होकर रखना पड़ेगा। तो एक मिनट मैं इसको रखता हूँ, तो क्राउच हो जाता है, और यहाँ के ऊपर है ना मुझे दो स्लाइम ब्लॉक रखने हैं, और इतना होने के बाद मुझे ना ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जर्व एक मिनट गलत रख दिया। तो सबसे पहले ना मुझे और ये स्टिकी पिस्टन मैंने गलत क्यों रख दिया, इसको है ना मुझे इस आगे के साइड रखना है। तो चलो इसको वापस से सही करता हूँ। तो एक मिनट मुझे सबसे पहले पीछे एक ब्लॉक रखना पड़ेगा तभी काम होगा, तो इसको हटा के यहाँ पे रखते और एक ब्लॉक इस तरीके से रखना है, अब जाके सही हो गया। इतना होने के बाद है ना मुझे ना यहाँ पे एक ऑब्जर्वर के पास इस तरीके से ब्लॉक रखना है। उसके बाद मुझे ना एक लीवर की ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से, और अपना बन भी चुका है ड्यूपर। तो सबसे पहले ना मुझे इन्वेंट्री में जाके कारपेट ढूंढना पड़ेगा, तो कारपेट कहाँ पे रखा है मैंने देखते, तो ये सारे के सारे कारपेट नहीं है, तो कारपेट कहाँ मिलेगा एक मिनट मैं ना यहाँ पे सर्च ही कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड पर लिखते कारपेट लिख देता हूँ, CAR कारपेट। चलो फाइनली मिल चुका हमारा। तो कौन से कलर का ले, ऑरेंज लेते, ऑरेंज ज़्यादा सही है। तो है ना मैं इस रेल को हटाता हूँ, और यहाँ से ढूंढना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, और मैं है अगर कंट्रोलर के साथ खेलता तो काफ़ी मज़ा आता। और इन्वेंटरी क्यों खुल रहा है, और मुझे यहाँ पे रखना है, उसके बाद मुझे इसको आगे करना है, और उसके बाद इसको है ना मुझे बंद कर दे। ओके यार क्या कर रहा हो यार, तो मुझे ना इस लीवर को एक्टिवेट कर देना है, और देख सकते हो फाइनली हमारा डुपर बन चुका है, इतना दूर फेंका रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने है ना वहाँ पे हमारा फार्म बनाया, और मेरा है ना यहाँ पे तक कारपेट आ रहा है। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, इसको ना टेम्पररी बंद करते हैं, और यहाँ पे मैं हॉपर वॉपर भी लगा सकता हूँ, तो उसको बाद में देखेंगे। तो इसको सबसे पहले ना हाई वॉल बना लेते हैं 3, ये काफ़ी सही रहेगा। इतना होने के बाद हमारा फाइनली बन चुका है। अब है ना मैं इसको थोड़ा बहुत जगह को खाली कर देता हूँ ताकि ना यहाँ पे सही से रहे। अभी है ना एक काम करते, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, आप देख सकते हो। तो ये हमारा कारपेट ड्यूपर एकदम कंप्लीट हो चुका है फुल्ली, काफ़ी मस्त आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे कारपेट गिर रहे, तो काफ़ी सही है। जावा के सारे फार्म इसमें वर्क करते, सारे ड्यूपर वर्क करते, काफ़ी सही है। इसके अंदर है ना सैंड ड्यूपर और बहुत सारे ड्यूपर बनते हैं, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता इतने ड्यूपर बनते। तो फाइनली आप देख सकते हो ये हमारा कारपेट ड्यूपर भी वर्क करता है, और यहाँ पे है ना हमारा ये भी है क्या नाम है यार इसको, तो ये हमारा रेल ड्यूपर भी कंप्लीट वर्क करता है यहाँ पे देख सकते हो सारा का सारा। ओके डिस्पॉन भी हो चुका है, चलो कोई बात नहीं। और ये हमारा है ना TNT ड्यूपर भी वर्क करता है, मतलब इसमें ना सारे ड्यूपर वर्क करते हैं जावा के, तो काफ़ी सही है। तो इसके अंदर हम बना सकते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है ये सीरीज़ को मतलब कंटिन्यू करने में, तो हम जरूर फ्यूचर में बनाएंगे अपने सारे सीरीज़ में। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे चालू बंद करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये भी वर्क कर रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है। तो आप लोग है ना मुझे कमेंट में बताना कि आपको है ना कैसा लगा ये सारे ड्यूपर वर्क करते, मेरे को तो काफ़ी मतलब मस्त लगा यार, काफ़ी जावा ये बेस्ट है। तो चलिए गाइस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।